नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स में आप लोग के साथ में कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं, और ऐसे प्लांट जो बिना धूप के आपके गार्डन में या फिर इंडोर गार्डन में आसानी से चल जाते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि बहुत लोग हैं जिनके पास स्पेस नहीं होता है कि वो टेरिस गार्डनिंग करें, या धूप ही नहीं आती है उनके घर पे बालकनी में या घर के अंदर। तो ये पौधे कुछ हैं जिनको आप कटिंग से इसलिए अपने गार्डन में लगा सकते हैं या फिर घर में लगा सकते हैं, और कुछ तो ऐसे जिनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं आप। बस थोड़े से कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करेंगे, फिर देखिएगा आपका जो प्लांट है अच्छे से चलता रहेगा बिना धूप के भी। तो कौन कौन से पौधे हैं आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए मैं फ्रेंड्स बताती हूँ सबसे पहले कौन सा प्लांट है। ये हमारा मॉन्स्टेरा का प्लांट है। तो मॉन्स्टेरा की कई वैरायटी आती है, उसी में से एक ये वाली वैरायटी है। इनकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से कटी रहती हैं और इनको हम कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट दिया हुआ है ताकि अच्छे से ऊपर तक चढ़ सके, क्योंकि जो मॉन्स्टेरा होता है मनी प्लांट की वैरायटी ही होती है, और इनको किसी चीज़ का सपोर्ट मिलता है ना वैसे इनको बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। और इनकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है, और इनके पत्तियों के वेरिगेशन वाले भी प्लांट्स आते हैं, आपको मिले तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स मनी प्लांट पोथोस, ये और मनी प्लांट की कई वैरायटी आती है, उनमें से एक वाली ये है। और इनके मतलब इस तरीके से लीफ वेरिगेशन देख सकते हो, येलो और ग्रीन है। तो इसको मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। ये भी बिना धूप के आराम से चल जाते हैं। इंडोर अगर लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मनी प्लांट। इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में अगर लगाएंगे, छोटी सी बॉटल में अगर लगाना चाहे उसमें भी ये लग जाता है। नेक्स्ट हमारा ये फ्रेंड्स सेसेवेरिया, ये भी बिना धूप के चलने वाले पौधे हैं, और ये इंडोर आप लगा सकते हैं किसी भी रूम में। आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं, डाइनिंग रूम में, या फिर आप बालकनी आउटडोर कहीं भी रख दीजिएगा। ये प्लांट बहुत अच्छे से चलने वाला होता है, और एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट होता है। तो इससे हवा अगर शुद्ध करना चाहते हैं इनके ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं। एक बार अपने गार्डन में लाएंगे तो एक पत्तियों से भी ये ग्रो हो जाते हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई होते रहते हैं कटिंग से, और फिर प्रोपोगेट मतलब होते थे छोटे छोटे से पप्स निकलते रहते हैं, उनसे भी हम ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंसेवेरिया यानी स्नेक प्लांट, इनकी टॉल और ड्राइप वैरायटी दोनों आती है, तो आप दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट के फ्रेंड्स बात करो तो वो है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी धूप में, इनको ज़्यादा धूप की नीड नहीं होती है, बिना धूप के चलने वाले पौधे होते हैं। छोटे से भी कटिंग कहीं अगर आपको दिखे तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना, बहुत ही खूबसूरत पौधे होते हैं। और पर्पल कलर का मतलब अगर आपके गार्डन में फूल वगैरह नहीं है, इन पौधों को अगर ऐड करते हैं तो एक अलग सा कलर नज़र आता है, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट के फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो हमारा फॉक्स टेल फर्न, और ये फिलहाल कटिंग से नहीं लेकिन हाँ डिवाइड करके हम इनको लगा सकते हैं। इनमें छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और इस तरीके से फर्न के तरीके में आप निकलते रहते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं मैं छोटे से पॉट में 4 इंच का मेरा पॉट है उसमें लगाया हुआ है, तो इस तरीके से ये लग जाते हैं। तो इन्हें भी आप ज़रूर ग्रो करिएगा अपने गार्डन में। और नेक्स्ट हमारा जो फ्रेंड्स प्लांट है वो है हमारा टर्टल वाइन, सॉरी ये है चार्ली क्रीपर। बहुत ही प्यारे लगते हैं, बिना धूप के चलने वाले पौधे हैं। इनकी पत्तियां जो है मिंट की तरीके यानी जो पुदीने होते हैं ना उनके तरीके से होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ में छोटे से आप पॉट में भी लगा देंगे, आराम से चल जाएगा। लेकिन ये क्रीपर है, फैलती है, तो इनको ऊंचाई चाहिए तो आप बड़े गमले लीजिए या फिर इस तरीके से हैंगिंग पॉट लीजिए। नेक्स्ट हमारा ये टर्टल वाइन है। देखिए मेरा वेस्टेज था, इसमें मैंने छोटी सी कटिंग डाली हुई थी, और ये देखिए किस तरीके से फैल रही, बहुत मतलब प्यारे लगते हैं। ये भी हैंगिंग के लिए है, ये बिना धूप के भी चल जाते हैं। और वैसे ये इंडोर के लिए ही है प्लांट, अगर आप प्लांट लवर हैं तो आप टर्टल वाइन को ज़रूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट हमारा ये फ्रेंड्स और स्पाइडर प्लांट है, मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, देख सकते हैं, और इसमें छोटे छोटे से रनर्स निकले हुए हैं, और इन्हीं से नया प्लांट बना सकते हैं। कटिंग से आप चाहे डिवाइड जो होते हैं
या फिर रनर से आप रेहरो पौधे बना सकते हैं। रनर्स में आपने देखा ही होगा कि इतने पौधे होते हैं, तो इससे भी आप इंडोर के लिए लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्लांट होता है, वेरीगेटेड में भी आते हैं, क्योंकि कई वैरायटी आती है और मेरे पास 2 या 3 है, मैंने कई वीडियो में शेयर किया हुआ है। बिना धूप के चलने वाले इंडोर प्लांट के लिए बेस्ट माने जाते हैं स्पाइडर प्लांट, तो इन्हें ज़रूर ऐड करना कटिंग से। नेक्स्ट हमारा यह रियो है। रियो की भी 3 वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड है, एक टॉल, एक और जो होती डॉप में रहती है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो आप इन्हें भी ऐड कर सकते हैं। कटिंग से ही लगती है, तो कटिंग द्वारा लगने वाले प्लांट से कम धूप में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है पेंडानस का प्लांट है, ये भी स्पाइडर प्लांट की वैरायटी है। लिप वेरिगेशन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत लगते हैं, तो इनको फिलहाल कटिंग से नहीं पर हाँ डिवाइड करके हम जड़ों से ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स बहुत ही कम धूप में चलने वाला कोलियस हमारा, ये शेड लविंग प्लांट होते हैं, छोटे से कटिंग लेके आप लगा सकते हैं, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रो में दिखाया होगा। छोटी से छोटी कटिंग से हमारे कोलियस तैयार हो सकते हैं। रंग बिरंगे अगर लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो ये कोलियस का बेस्ट ऑप्शन है, आप लगा लीजिए। बिना फूलों के भी दिखने वाले बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो इंडोर तो फिलहाल मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इनको कम धूप की ज़रूरत होती है, तो बिना धूप के चल जाते हैं ये, बस वेंटिलेशन हो जहाँ पर ये पौधा लगा हो। नेक्स्ट हमारा ये है फ्रेंड्स बेरेबिल बॉगबर्न है, और ये मतलब छोटी सी कटिंग से मैंने लगाया हुआ था, आज इतना घना हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं इनकी पत्तियाँ जो होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। 2-3 वैरायटी इनकी भी आती है, एक हैंगिंग में रहती है, एक ड्राई वैरायटी रहती है, ये वाली है, कुछ ग्रीन पत्तियों वाली होती है, बट अगर लगाना चाहते हैं कटिंग से इजली ग्रो हो जाते हैं बिना धूप के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ये है टेंगल हार्ट, हैंगिंग बास्केट में इनको हम लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये मतलब अभी थोड़ा सा विंटर सीजन है, थोड़ा सा पीले पड़ रहे पत्तियाँ, बट ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है इनकी, छोटी छोटी कटिंग गिर जाती है और लग भी जाती है कटिंग से, कहीं भी अगर लगाएंगे ना तो एक छोटी सी सिंगल लीव्स पे ग्रो हो जाएगी। ये हमारा देखिए एक ये भी स्पाइडर प्लांट की वैरायटी है, इसमें भी छोटे छोटे इस तरीके से रनर्स निकलते हैं, इनसे हम नया प्लांट बना सकते हैं। इनकी जो लीव वेरिएशन है ना वो भी प्यारे लगते हैं, और इंडोर प्लांट के लिए भी बेस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ देख सकते हो ये है स्पिगेरस है, फॉक्सटेल फर्न की वैरायटी है, बट इनकी जो पत्तियाँ हैं थोड़ी सी दूर दूर रहती हैं, फॉक्सटेल के थोड़ा नज़दीक रहती हैं, बट ये मतलब अगर मैं बोलूँ तो फॉक्सटेल की ड्वार्फ वैरायटी हैंगिंग बास्केट के लिए। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फ्रेंड्स क्रोटोन, क्रोटोन की कोई वैरायटी हो उनकी कटिंग आप इजीली अभी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है, बस आप 5-6 इंच की कटिंग लीजिए, सैंड सॉइल में लगाएंगे, फिर देखना आपकी कटिंग लग जाती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा फ्रेंड्स, और कटिंग लगाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत ही होती है, ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने आप वेट करिए फिर कटिंग 100% लगेगी। नेक्स्ट हमारा एरेंथेमम है, एरेंथेमम की भी 2-3 वैरायटी आती है, मेरे पास ये वाली एक ग्रीन वाली है, ये भी बिना धूप के भी अच्छे से चल जाते हैं, सेमी शेड में रहने वाले प्लांट है और कटिंग से फिलहाल लगाई जाती है। ये वाला प्लांट मैंने कटिंग से ही ऐड किया है, और बहुत ही मतलब प्यारे लगते हैं, जो कलर वेरिएशन आप देख सकते हैं पिंक ग्रीन पर्पल वाइट में है, 2-3 कलर एक ही पौधे में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ के फूलों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा ये फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्लैक्स लिली है, यानी कि स्पाइडर लिली है, फूल आए ना आए इसमें, बट इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती है, ग्रीन और येलो जो वेरिएशन है बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिलहाल ये फ्रेंड्स बल्ब से लगते हैं, बल्ब से डिवाइड होते रहते हैं, मेरे पास ये सिंगल एक बल्ब था, आज मेरे पास कम से कम 20 या 25 बल्ब हो गए होंगे, तो मैंने लोगों को गिफ्ट भी कर दिया, और ये है भी है। नेक्स्ट हमारे ये फ्रेंड्स देख सकते हैं डंकी जो एयर प्लांट है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे इसमें से मतलब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती इसी में प्लांट बनते रहते हैं, और कहीं गिर जाते हैं वहाँ ही अपने आप देखिए इस तरीके से पत्तियों में पौधे बन जाते हैं, गिर जाते हैं वहाँ अपने पौधे तैयार हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स बता दूँ तो ये हमारा एरू एरिया का प्लांट है, इनकी भी कटिंग आसानी से लग जाती है, और आपको पता ही इंडोर प्लांट है ये,
बिना धूप के चलने वाले पौधे हैं, ये तो सालों साल चलते रहते हैं गार्डन में हमारे, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। छोटी सी सिंगल लीव लेके यहाँ से कट करके लगा सकते हैं। मैंने कटिंग स्टार्टिंग में आपको दिखाई है जो हमारा इंट्रो था उसमें, तो उस तरीके से लग जाती है कटिंग, आपको पता है कटिंग से तैयार किए जाते हैं। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी कटिंग से ही लगती है, मैंने कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर करी हुई है। अगर लगाना चाहते हैं तो इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेस्ट देखिए ये हमारा ये भी है, लग जाती है। और ड्रेसिना आप देख सकते हैं, ड्रेसिना की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी मैंने कटिंग से ही अपने गार्डन में लगाया हुआ है। और ये फ्रेंड्स अभी बहुत बड़ा हो गया, इसे मैंने ढेरों प्लांट मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो अगर आपको कहीं भी ये प्लांट ड्रेसिना या सॉन्ग ऑफ इंडिया कहीं दिखता है ना, ज़रूर ऐड करना फ्री में। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपनी जो गार्डनिंग हो फ्री में करूँ, वो क्योंकि आजकल पौधे बहुत ज़्यादा महंगे आने लगे हैं। तो कहीं भी दिख जाते हैं मुझे कोई यूनिक पौधा, नया पौधा जो मेरे गार्डन में नहीं है, तो मैं उनको ज़रूर लेकर आती हूँ। छोटी से छोटी कटिंग से नए पौधे अपने गार्डन में मैं तैयार कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। ये हमारा जेट प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसको तो मैंने बिल्कुल फ्री में ऐड किया हुआ है अपने गार्डन में, मैंने बिल्कुल भी ख़रीदा नहीं है। छोटी सी कटिंग से आज मैंने इतना बड़ा प्लांट बना लिया है। मैंने बोनसाई भी बनाया हुआ है, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर करी है, हार्ट शेप में, राउंड शेप में, एक ट्री का शेप मैंने दिया हुआ है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप जेड प्लांट को भी कटिंग से ज़रूर ग्रो करना, ईजी टू ग्रो प्लांट है। छोटी छोटी एक इंच या इसकी हाफ इंच भी लगाएंगे तो लग जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा को फिलहाल कटिंग से तो नहीं, लेकिन हाँ इनको हम डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है फ्रेंड्स वांडरिंग ज्यू, ये भी कटिंग से ही लगते हैं। इनकी छोटी सी सिंगल लीव्स लगा देंगे, इसमें एरियल रूट्स निकले हुए होते हैं जिनसे इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। छोटी से छोटी कटिंग आप कहीं भी आप लगा दोगे ना तो लग जाती है। तो आप इनकी वैरायटी भी आती है ग्रीन, पिंक और ये वाली पर्पल वाली, तीनों अच्छी लगती हैं। कहीं भी दिखे आपको तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना, इनको भी ज़्यादा धूप की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स कलांचो का प्लांट है। तो ये देसी वाले कलांचो आते हैं अभी, तो इनका खिलने का बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इनकी भी कटिंग अगर कहीं दिखती है तो ज़रूर ग्रो करना, एक से डेढ़ों प्लांट बना सकते हैं और कम धूप में चलने वाले होते हैं। ये फ्रेंड्स डॉल वैरायटी का ड्रेसिना है, पत्ती इनकी बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी होती हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। कलर आपको पता है पर्पल ग्रीन में होते हैं। तो इनको फ़िलहाल मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है और इसी तरीके से आप भी इनकी कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 30 या 31 प्लांट जिनको मैंने कटिंग से तैयार किया, आप भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बिल्कुल कम धूप में। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती तो पौधे आपके लिए आपके हेल्पफुल होंगे, तो गार्डन में ज़रूर ऐड करना। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल।